निदान प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे निदान ज्योतिष की इस योग चर्चा पर, और जो हम भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज एक विशेष योग के बारे में बात करते हैं, एक विशेष बात जो कि हम सब की, एक आम व्यक्ति की बहुत बड़ी परेशानी है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज़ है जिसका होना भी आवश्यक है, लेकिन जब वो अति से ज़्यादा हो जाए या जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो एक परेशानी बन जाता है। स्ट्रेस बिल्कुल हमारे जीवन में कुकर में प्रेशर की तरह काम करता है कि जब कुकर में प्रेशर बनेगा तभी आपका खाना पकेगा, और उस प्रेशर को रिलीज होना भी आवश्यक है। वो प्रेशर रिलीज होता रहेगा तो खाना पक जाएगा और आप उस भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। उतना स्ट्रेस काफ़ी होता है हमारे लिए, लेकिन जब भी अधिक हो जाए या असहनीय हो जाए तो हमें परेशानी होती है। उसको हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, इसको देखने के लिए, स्ट्रेस हम फील कहां करते हैं? अपने मन में फील करते हैं। हमारे मन का कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसी ऐसा ग्रह है जिसके कारण हमारा स्ट्रेस या एंग्जाइटी या जो भी कई सारी से जुड़ी समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। अब चंद्रमा पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या चंद्रमा पर किस ग्रह के गोचर की वजह से परेशानी आ रही है, वो एक देखने समझने की चीज है। इसमें सबसे बड़े तीन मूल ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं, राहु, शनि और मंगल। मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया कि राहु किसी भी चीज की उद्विग्नता को, किसी भी उसको बहुत बढ़ा देते हैं, और जब भी राहु का संबंध इन सब चीजों के साथ होता है तो एक मन का भाव, जैसे बदमाशी वाला या कोई छेड़छाड़ वाला, इस किस्म की चीज़ें हमारे साथ होना या कोई भी इस प्रकार का कार्य होना जो बहुत नेगेटिव है या गलत है या खराब है समाज की धारा में हम लोगों के लिए, उस प्रकार की घटनाओं का होना या व्यक्ति का किसी भी नेगेटिव चीज़ को एकदम बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा देना, ये राहु इस प्रकार काम करते हैं। तो राहु का जब भी संबंध या तो कुंडली में चंद्रमा के साथ बना हुआ है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में आ गया है, सूर्य भी साथ में आ गया है जन्म के समय में, या सूर्य चंद्रमा राहु एक साथ आके बैठ गए हैं, इस प्रकार की स्थिति में वो व्यक्ति पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है। दूसरी बात, शनि क्या करते हैं? किसी भी स्ट्रेस यानी पीड़ा को, किसी भी दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर शनि वहां पे बैठे हुए हैं, कुंडली में शनि चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं और राहु भी अगर वहां पर है तो वो पीड़ा को बढ़ा भी देंगे शनि। फिर शनि चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति झूठ बोलना भी शुरू कर देता है, और आप समझिए कि झूठ जब भी हम बोलते हैं तो वो दूसरे से नहीं बोल रहे होते हैं, वो हम अपने आप से बोल रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाला तो शायद हमारी बात को सच समझ के मान भी लेता है पर हमें तो पता है कि भाई हमने झूठ बोला है। वो बात हमारे अंदर, हमारे मन में कहीं ना कहीं हमें चुभती रहती है या काटती रहती है, और एक दिन वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वही हमारा स्ट्रेस, वही हमारी बहुत ज़्यादा डीप एंग्जाइटी और परेशानी का कारण बन जाता है। मंगल अगर साथ में होते हैं तो मंगल किसी भी चीज़ में तेजी, यानी बहुत ज़्यादा अग्नि, क्योंकि मंगल अग्नि का स्वरूप है, अग्नि ग्रह है, तो वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रज्वलता पैदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अग्नि पैदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सेस चीज़ों को उसके अंदर पैदा कर देते हैं, तो वो मंगल का कारण हो जाता है। तो शनि, राहु और मंगल जब भी चंद्रमा के साथ इस प्रकार का या तो कुंडली में योग बनाते हैं तब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, या गोचर में भी कई बार अगर चंद्रमा से, शनि राहु और मंगल चंद्रमा के आसपास से कहीं गुजरते हैं तो भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे आपने लोगों ने सुना होगा शनि की साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी, हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी चर्चाएं होती हैं, बहुत डराया जाता है, पर डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ा सा अपने आप को संतुलित रखेंगे तो आप उस समय को भी आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी होता है डरने की अपेक्षा। जब भी चंद्रमा गोचर के, लगन के चंद्रमा पर, हमारे लगन कुंडली के चंद्रमा पर जब भी शनि एक घर पहले चंद्रमा जहाँ बैठे वहां पर और उसके बाद तक शनि गुजरते हैं, गोचर करते हैं, उस समय वो साढ़े साथी का समय होता है, क्योंकि शनि एक घर में ढाई साल रहते हैं, तो तीन घर में रहेंगे तो कितना हो गया, साढ़े सात। चंद्रमा से पहले वाला घर, चंद्रमा घर, चंद्रमा के बाद वाला घर,
वहां पे गोचर करते हैं, तो शनि का काम जब भी शनि आएंगे तो व्यक्ति की पीड़ा बढ़ा देते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में साढ़े साथी का योग बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति को शांत रहना सीखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने अंदर संतुलन पैदा करना चाहिए जिससे कि किसी परिस्थिति को आराम से निकाल ले, तो पीड़ा की जो भाव है वो कम पैदा होगा। ऐसे ही अगर राहु गोचर करेंगे तो राहु चंद्रमा के साथ जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ चीजों को वो बढ़ाएंगे या कोई नई परेशानी पैदा करेंगे या व्यक्ति को कहीं ना कहीं झूठे धोखे में कहीं ना कहीं मन में धोखा करवाएंगे, जो फंसाने का काम होता है उसकी वजह से। मंगल अगर गोचर करेंगे तो मंगल का काम क्या है, मंगल अग्नि ग्रह है तो वो उसकी ज्वाला को, ताप को एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसके अंदर एग्जेजरेट कर देंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें कि अगर मेरी कुंडली में कोई योग है, साथ में गोचर भी है चल रहे हैं, तो मुझे अपने आप को संतुलित रखने के लिए ध्यान करना चाहिए, मुझे समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की मेरी स्थिति चल रही है और जब तक वैसी दशा चले, जब तक वैसा गोचर चले, अपने आप को शांति से उस समय को निकालना चाहिए। और समय तो समय है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वो आगे नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। समय की धारा को समझें और जितना शांति से, तसल्ली से और संतुलन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और आपको कोई और नए विषय पर चर्चा करनी हो, कोई नया योग जानना हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निदान प्रणाम।